जब 1675 की शुरुआत में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीरी ब्राह्मणों के एक समूह मुगलों के जनरल इफ्तिकार खान की धार्मिक कट्टरता से हताश होकर उसने उन्हें इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी, गुरु तेग बहादुर से मिलने के लिए आनंदपुर का दौरा किया। औरंगजेब ने सभी हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का आदेश दिया था और सोचा था कि यदि सम्मानित कश्मीरी ब्राह्मण इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो देश में अन्य लोगों का आसानी से धर्म परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें निर्णय लेने या परिणाम भुगतने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। समय खत्म हो रहा था। जब गुरु विचार कर रहे थे कि क्या करना है, युवा गोविंद राय अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा कि वह इतने व्यस्त क्यों दिख रहे हैं। जैसा कि गुरबिलास पातशाही 10वीं में कुंवर सिंह दर्ज करते हैं, पिता ने उत्तर दिया, कब्र वे बोझ हैं जिन्हें पृथ्वी सहन करती है। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई वास्तव में योग्य व्यक्ति अपना सिर झुकाने के लिए आगे आएगा। तब संकट दूर हो जाएगा और खुशी का आगमन होगा। मैं गोविंद राय ने अपने मासूम अंदाज में कहा, ऐसा बलिदान देने के लिए आपसे योग्य कोई नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर ने ब्राह्मणों को सलाह दी कि वे अपने गांव लौट जाएं और अधिकारियों से कहें कि यदि गुरु तेग बहादुर को पहले मना लिया जाए तो वे इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इसके तुरंत बाद गुरु तेग बहादुर कुछ अनुयायियों के साथ शाही राजधानी दिल्ली की ओर रवाना हुए। अपने 3 अनुयायियों की यातना और फांसी को देखने के बाद गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया। 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक दिल्ली में उनका सिर काट के शहीद कर दिया गया। अब वहां गुरुद्वारा सीस गंज साहिब स्थित है।